हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को पता है, लॉकडाउन के वजह से अभी बहुत सारे वैकेंसीज हैं वो डिले हो रहे हैं। अब ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब तक वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी, ये अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। तो इसी बीच एक न्यूज़ आई है आप लोग के लिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो पेपर है ये पेपर में आया है और इसमें दिया हुआ है कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में बहाली आनी शुरू हो गई है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत ही जल्द सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो यहाँ पर लिया जा रहा है अभी, तो आप लोग ITI के लिए खास करके जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग यहाँ पे ध्यान से देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी इसको देखें और अपनी तैयारी करें। तो आप लोग को यहाँ पे अपनी तैयारी को जारी रखनी है, आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहें। और ये पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो कि इसका विज्ञापन नंबर है देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये न्यूज़ 100% सही है। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी करना बिल्कुल नहीं छोड़ें, अपनी तैयारी स्टार्ट रखें क्योंकि आप लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे जॉब करने का। देख लीजिए, ये कुछ पेपर में दिया हुआ था कुछ बातें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं संविदा के लिए है। फिलहाल अभी संविदा पे बहाली कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा भू अर्जन और कुछ पर्यवेक्षक अमीन, कुछ इस तरह के हैं। और यहाँ पे इसकी सैलरी भी देखिए, जैसा आप लोग देख सकते हैं 30,000 पर मंथ के अनुसार दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये पेपर कटिंग है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है बट दिख रहा है सही ढंग से, तो आप लोग देख सकते हैं ये आपकी वैकेंसीज आई हैं। और यहाँ पे डिप्लोमा और स्नातक डिग्री, बीटेक डिग्री ये सब ले रहा है। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, इसका सैलरी भी बहुत अच्छा है। और आप लोग जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे बीटेक डिप्लोमा स्नातक वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ITI वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें कि ये प्रक्रिया जब शुरू हो चुकी है तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग की भी बहाली बहुत ही जल्द आ सकती है। यहाँ पे बिहार सरकार ने ये नोटिस जारी किया है। और देखिए, जैसा कि यहाँ पे ये पेपर कटिंग आया था 14 तारीख को, यानी कि 14/5/2020 को आई थी और इसमें प्रक्रिया अभी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, कुछ बातें हैं जो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए नेक्स्ट पेज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी सीट हैं जहाँ पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी संस्थान है वो यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। और इस जॉब के लिए जितने भी स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया गया है वो रिज्यूम के द्वारा, आप अपना बायोडाटा रिज्यूम ईमेल ID 23/5/2020 तक शाम के 5 बजे तक भेज सकते हैं। और उसका जो वेबसाइट है, जैसा देख लीजिए, ये वेबसाइट है, सॉरी ईमेल है। और इस ईमेल पे आपको अपना रिज्यूम बायोडाटा सेंड करना है, डिप्लोमा बीटेक, और जो स्नातक के स्टूडेंट होंगे जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो ये अप्लाई कर सकते हैं। और उनका लास्ट डेट जैसा आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि 23/5/2020 है और ये ईमेल आईडी है, आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। और देखिए, ये पटना में बहाली होना है। आपको सबसे ज़रूरी बात ये देखना है कि यहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू बेसिस पे आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो होगा। और इंटरव्यू होने के बाद कुछ फिज़िकली भाग नहीं लेना है, मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप लोग यहाँ पर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ये यहाँ पे साफ साफ क्लियर दे रखा है। और इसका वेबसाइट दिया हुआ है, देख सकते हैं, ये वेबसाइट इसका ऑफिशियल है। और कोई भी जानकारी अगर चाहिए होगा आप लोग को, डिटेल्स में इस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे तो ये वेबसाइट है। और ITI वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जब भी इसकी बहाली आएगी, आप लोग को जैसा पता होगा कि कोई भी मेट्रो में
मेंटेनर की पोस्ट आती है जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए होती है। तो आप लोग के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मेंटेनर की पोस्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। इसके लिए आप लोग को प्रिपेयर होना है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे पटना रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। बस यही बताना था आप लोगों को और ये आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कुछ और ऐसे ही नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आईटीआई और सीआईटीएस अप्रेंटिसशिप से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होंगी सारी अपडेट आपको हमारे साथ यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहें आप लोग का तब बहुत बहुत धन्यवाद।